दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसटी के TNRM विभाग के कर्मचारी गण अभिनव प्रयास के लिए पुरस्कृत। अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला में संचार पहल 100% से परे का सत्र आयोजित। और एक साहित्यिक नारीवाद और एक स्वतंत्रता सेनानी सरला देवी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के यातायात और कच्चे माल TNRM विभाग के कर्मचारियों की एक टीम को 7 अक्टूबर 2021 को आयोजित एक समारोह में अभिनव कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए पुरस्कृत किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी TNRM श्री NR राय चौधरी ने टीम के सदस्यों में शामिल प्रबंधक TNRM श्री अब्दुल रजाक, TNRM के वरिष्ठ तकनीशियन श्री नरेश मिश्र, श्री मनोज कुमार पंडा, श्री राजेंद्र प्रधान, श्री जलधर साहू, श्री नरेश चंद बारीक, श्री RK सेठी और श्री सदाशिव मंडल को भेल लोकोमोटिव में डायनेमो ड्राइव सिस्टम का संशोधन परियोजना को पूरा करने में उनके सराहनीय योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए। कर्मचारियों को इस्पात संयंत्र की उत्कृष्ट पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत किया गया। उल्लेखनीय है कि इस विशेष पुरस्कार योजना का उद्देश्य संयंत्र के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता प्रदान कर उनके बीच नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से पुरस्कृत टीम द्वारा किए गए संशोधन ने सुचारू आवश्यकता आधारित रखरखाव की सुविधा के अलावा लोकोमोटिव के महत्वपूर्ण भागों की लगातार विफलता को दूर करने में मदद की। कुशल परिणामों के आधार पर परियोजना को अब 4 इंजनों में लागू किया गया है। इस प्रयास ने सुरक्षा बढ़ाने के अलावा पर्याप्त ठोस और मूर्त लाभ अर्जित किए हैं। उल्लेखनीय प्रयास ने इंजनों की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद की है। पुरस्कार समारोह में महाप्रबंधक TNRM श्री हीरालाल महापात्र, महाप्रबंधक TNRM श्री RC बेहरा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक कार्मिक श्री RN मिश्र ने किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र की अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला RNC लैब के मुख्य सम्मेलन कक्ष में 8 अक्टूबर 2021 को विभाग के कर्मचारियों के लिए 100% से परे श्रृंखला पर एक व्याख्यान और प्रस्तुति सत्र आयोजित किया गया। सत्र की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री आतिश चंद सरकार ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सरकार ने समाज के नेतृत्व को बनाए रखने और समाज में सकारात्मक पदचिन्ह के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने तनाव मुक्त जीवन और बेहतर उत्पादकता के लिए कार्य जीवन के संतुलन की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा पर सत्र का संचालन OCT RCL सुश्री रश्मिता बारला द्वारा किया गया, जबकि RCL में नियोजन परिप्रेक्ष्य सहायक महाप्रबंधक RCL सुश्री निवेदता सामल द्वारा किया गया। महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा ने समाज में एक सकारात्मक पदचिन्ह बनाना विषय पर एक सत्र लिया। कामकाज और दैनंदिन जीवन तथा रुचि के बीच तालमेल विषय पर वरिष्ठ वास्तुकार कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सुश्री जोविता चौधरी द्वारा लिया गया था। इसके बाद एक खुली चर्चा हुई जिसमें प्रतिभागियों द्वारा सक्रिय भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम का समापन प्रबंधक RCL सुश्री खुशबू मिश्रा के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। प्रबंधक RCL श्री भारती कारो ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि प्लांट के अंदर विभिन्न प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों के लिए सीखने की संस्कृति, ज्ञान साझा करने, अभिनव सोच और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साप्ताहिक संचार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है सरला देवी। सरला देवी पहली स्वतंत्रता सेनानी थीं जिन्हें सबसे उत्कृष्ट साहित्यिक नारीवाद के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने आधुनिक ओडिशा के निर्माण में भरपूर योगदान दिया। उनका जन्म 19 अगस्त 1904 को जगत सिंहपुर जिले के नरिलो गांव में हुआ था। सरला देवी 1921 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन में शामिल हुईं। वह महात्मा गांधी से प्रेरित थीं और उन्होंने सामाजिक बुराइयों को सुधारने और महिलाओं की स्थिति के लिए उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की।
सरला देवी को ओडिशा की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त था, जिन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए कैद किया गया था। स्वतंत्र भारत के एक हिस्से के रूप में वह पहली महिला थी जो ओडिशा विधानसभा की सदस्य बनी और उसके बाद विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भी उन्हें चुना गया था। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।